भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती लगातार गहरी होती जा रही है और इस बात का सबूत ये है कि अमेरिका ने एक पहल की और वो पहल ये है कि बाइडेन प्रशासन ने वहाँ की एक कोर्ट से अपील की है कि वो तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण मामले में सुनवाई जल्द से जल्द शुरू करे और इस मामले को सर्टिफाई करे। इस पर बेहद ही अहम बात यह है कि तहव्वुर राणा वही शख्स है जो 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमलों में शामिल था। लॉस एंजलिस में अमेरिकी संघीय अदालत में प्रतिवेदन दाखिल करते हुए सहायक अमेरिकी अटॉर्नी जॉन जे लुलजियन ने कहा कि मुंबई आतंकवादी हमले के मामले में राणा को भारत प्रत्यर्पित करने के सभी मानदंड पूरे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तहव्वुर राणा को जल्द ही भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है। इसकी आशंकाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं अमेरिकी प्रशासन के इस फैसले के बाद। आपको बता दें कि राणा ने खुद को भारत प्रत्यर्पित किए जाने का 4 फरवरी को विरोध किया था और अपनी दलील में उसने कहा था कि जिन अपराधों के लिए उसके प्रत्यर्पण की अपील की गई है उनमें उसे पहले ही बरी किया जा चुका है। तो वहीं लॉस एंजलिस में यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की न्यायाधीश जैकलीन शुलजियन ने मामले की सुनवाई के लिए 22 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है। लुजियन ने सोमवार को अदालत में दाखिल किए गए 61 पेज के प्रतिवेदन में कहा, अमेरिका सम्मानपूर्वक अनुरोध करता है कि प्रत्यर्पण के मामले पर 22 अप्रैल 2021 की सुनवाई के बाद अदालत भारत के राणा को प्रत्यर्पित करने के अनुरोध पर गौर करे। लुजियन ने आगे कहा, भगौड़ा तहव्वुर राणा मुंबई आतंकवादी हमले के मामले में संलिप्त के अपराध में सुनवाई के लिए वंचित है, जिसमें 166 लोग मारे गए थे, 239 लोग घायल हुए थे और करीब 1.50 अरब डॉलर की संपत्ति का नुकसान हुआ था। भारत और अमेरिका के बीच जो प्रत्यर्पण संधि है उसके हिसाब से ये जो अपील की गई है ये औपचारिक अपील की गई है। और आपको बता दें कि इसमें सबसे बेहद और अहम बात ये है कि भारत की ओर से इस प्रत्यर्पण मामले की शुरुआत कर दी गई है। राणा डेविड कोलमैन हेडली का बचपन का दोस्त है और साथ ही दोनों का हाथ 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले में शामिल था। भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध पर 10 जून को लॉस एंजलिस से दोबारा गिरफ्तार किया गया था। हमलों में 6 अमेरिकी नागरिकों समेत कुल 166 लोगों की मौत हुई थी। भारत ने उसे उसी दौरान भगोड़ा घोषित कर दिया था। आपको बता दें कि मुंबई आतंकवादी हमलों की साजिश रचने में लश्कर-ए-तैयबा का पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी कोलमैन हेडली का नाम शामिल था। उसे इस मामले में सरकारी गवाह बनाया गया था और वो हमले में अपनी भूमिका के लिए फिलहाल अमेरिका की जेल में 35 साल के कारावास की सजा काट रहा है। तो वहीं राणा के वकीलों ने पिछले सप्ताह ही लॉस एंजलिस की जिला अदालत में न्यायाधीश जैकलीन कैलोनियन के सामने प्रत्यर्पण का विरोध करते हुए याचिका दायर की थी। राणा के वकीलों ने दलील दी थी कि अमेरिका भारत प्रत्यर्पण संधि के अनुच्छेद 6 के अनुसार राणा को भारत प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिन अपराधों के लिए उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है उसमें उसे पहले ही बरी किया जा चुका है। साथ ही भारत अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि के अनुच्छेद 9 के तहत भी उसे प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सरकार ने कथित अपराधों में राणा की संलिप्तता पर विश्वास करने के संभावित कारण नहीं बताए हैं। इसमें दो पहलू हैं। एक पहलू राणा के वकील बता रहे हैं कि उसको भारत प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता है, लेकिन बाइडेन प्रशासन ने राणा के भारत प्रत्यर्पण पर सुनवाई के लिए वहां की जिला कोर्ट से अपील की है कि इस मामले पर सुनवाई की जाए, जिसके लिए तारीख भी मुकर्रर कर ली गई है और वो है 22 जुलाई। तो अब 22 जुलाई पर सभी की निगाहें बनी रहेंगी कि जिला अदालत वहां पर क्या फैसला लेती है। क्या वाकई में तहव्वुर राणा का भारत प्रत्यर्पण हो पाएगा या फिर और बाकी के भगोड़ों की तरह उसको एक तारीख और मिल जाएगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।